गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग आगे आज डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे, ये हम लोग देख लेते हैं कैसे आपका फीचर्स क्या होते हैं व्हाट फोटोशॉप के, एंड उनको हम स्टार्ट कैसे करते हैं फोटोशॉप CS3 वर्जन को। तो मैंने कल आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, एंड उसमें मैंने आपको ये सब कुछ बताया था कि ये होता क्या है एंड वर्किंग क्या होती है इसकी, इसके काम क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से दिया था। अब हम आज इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो इसका जो पहला फीचर है वो है इट हैज़ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, मींस जो यूज़र्स हैं उनके लिए ये ईजी वे है और ईज़िली हैंडलेबल भी है, मींस ईज़िली हैंड कर सकते हैं इसको, हम लोग ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, इमेज एडिटिंग इज़ डन ईज़िली, जो इमेज एडिटिंग होती है वो हम लोग बहुत ही आसानी से इसके थ्रू कर सकते हैं। अब ये इमेज एडिटिंग कैसे कर सकते हैं ईज़िली, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं एंड वो सारे फीचर्स जो आप यूज़ करते हैं वो बहुत ही ईज़िली यूज़ हो जाते हैं। उनके शॉर्टकट्स आपके सामने दिए होंगे आप राइट साइड में। अब स्टूडेंट्स, इट हैज़ अ सेट ऑफ पावरफुल टूल्स विच हेल्प्स टू इन्हेंस कलर ऑफ एन इमेज, रिसाइज और क्रॉप द इमेज, रिमूविंग अनवांटेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम पिक्चर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है इसमें पावरफुल टूल्स होते हैं, लाइक देखिए सबसे पहला क्या है, कलर ऑफ एन इमेज, किसी इमेज की कलर इन्हेंस कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, रिसाइज और क्रॉप कर सकते हैं आपकी इमेज को। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, रिसाइज और क्रॉप कर सकते हैं आपकी इमेज को। अब क्या है स्टूडेंट्स, रिमूविंग अनवांटेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम पिक्चर, इसका मतलब स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं, कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं है, लाइक आपके नीचे देखिए एक इमेज दी हुई है आपकी बुक में, तो आपको बटरफ्लाई पसंद नहीं है, वैसे पसंद सबको होगी लेकिन फिर भी, तो आप बटरफ्लाई चाहे तो इससे रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फ्लावर रिमूव कर सकते हैं, ये सब आप ईज़िली कर सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ें अपने इस फोटोशॉप की मदद से कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स फीचर्स लाइक लेयर इफेक्ट्स, 3D आइकन्स, कौन कौन से इफेक्ट्स स्टूडेंट्स, ये लेयर इफेक्ट्स प्रोवाइड करता है, 3D आइकन्स प्रोवाइड करता है, ऑटो अलाइन प्रोवाइड करता है एंड ब्लेंड, ये सारे फीचर्स इसके हैं। लेयर इफेक्ट्स मींस एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, आप ऐसे उनमें इफेक्ट्स अलग अलग डाल सकते हैं। सेकेंड क्या है, 3D आइकन्स, आप इसका भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऑटो अलाइनमेंट एंड ब्लेंड, ये आपको मैं आगे बताऊं। अब क्या है, एडोब फोटोशॉप को स्टार्ट कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट्स, एडोब फोटोशॉप को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट क्लिक करना है, दूसरा जो आपकी स्टार्ट बटन होती है आपको उस पर क्लिक करना है, फिर आप वहाँ से जाइए ऑल प्रोग्राम्स में, फिर वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडोब मास्टर कलेक्शन CS3। एडोब मास्टर कलेक्शन एक पूरा सेट है, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट है वैसे ही एडोब मास्टर कलेक्शन एक पूरा सेट है, तो उसमें आपको एडोब फोटोशॉप CS3 आपको मिल जाएगा, आप उसको उस पर डबल क्लिक करना है और आपका वो विंडो ओपन हो जाएगी। फोटोशॉप विंडो जो होगी वो बाकी सब विंडोज़ की तरह से ही दिखेगी। फोटोशॉप विंडो डज हैव द कॉमन फीचर्स ऑफ अ विंडो विथ एडिशनल फीचर्स विच आर यूज विथ एन इमेज, जो बाकी की आपकी विंडो एप्लीकेशंस हैं उनके जैसी वो दिखती हैं वैसे ये भी ओपन होगी एंड ये भी सेम ही आपको दिखेगी। लेकिन क्या है इसमें स्टूडेंट्स, ये थोड़ा एडिशनल फीचर्स भी इसमें होंगे जो कि आपकी इमेज के साथ यूज़ कर सकते हैं आप। अब क्या स्टूडेंट्स, फोटोशॉप के विंडो कंपोनेंट जो होते हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। इसमें आपके कितने कंपोनेंट्स दिए हुए हैं काउंट करते हैं हम लोग। फर्स्ट है टाइटल बार, सेकंड टूल पैलेट है, थर्ड है मेन्यू बार, फोर्थ है ऑप्शन बार, फिफ्थ है पैलेट्स, फोर्थ है वर्क एरिया एंड सेवन्थ है आपका स्टेटस बार। तो आपके टोटल 7 कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। तो
इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपका आज का होम असाइनमेंट फीचर्स ऑफ फोटोशॉप को अपने न्यू लिखना है। आपको नया चैप्टर जो आपको है वो आज स्टार्ट करेंगे। सबसे ऊपर चैप्टर का नेम, फिर इंट्रोडक्शन में आप दो तीन लाइनें अपने पीछे वाले पेज से देख कर लिख दीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगती हैं कुछ अच्छी सी। एंड फिर आपको क्या करना है, फीचर्स ऑफ फोटोशॉप, जो फोटोशॉप के फीचर्स हैं चारों पॉइंट आपको लिखने हैं। फिर आपको लिखने हैं स्टार्टिंग एड ऑफ फोटोशॉप CS3, इसमें चार पॉइंट। एंड इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ फोटोशॉप, फिर आप ये सातों नेम उसमें डाल देंगे। तो ये है आज का आपका असाइनमेंट। सो इतना ही, थैंक यू।